उत्तराखंड के रांची में इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गठबंधन के कई बड़े नेता नजर आए। वैसे तो किसी बड़ी क्रांति को उलगुलान कहते हैं। माना जाता है कि आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा ने भी जल, जंगल, जमीन के लिए उलगुलान किया था। 125 साल बाद इंडिया गठबंधन, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी के खिलाफ ये न्याय रैली का आयोजन किया गया। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित रैली में मंच से नेता भाषण दे रहे थे, तो वहीं पंडाल में अलग अलग पार्टियों के आए नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बैठने के लिए लगाई गई कुर्सी और झंडा वाला डंडा इनका हथियार बन गया। कई लोगों के माथा फूटने और चोट लगने की खबर तक मिली है। इसे लेकर बिहार की सत्ताधारी और बीजेपी की पार्टनर जेडीयू ने एक ट्वीट किया है। रांची में आयोजित रैली को लेकर बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने एक्स मीडिया अकाउंट पर लिखा कि एक दूसरे पर लट चलाते, एक दूसरे का सिर फोड़ते इन तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस और राजद के नेता हैं। तस्वीरें रांची की है, जहां इंडी गठबंधन की एक रैली थी। जरा सोचिए, जो एक दूसरे के साथ शांति से रैली नहीं कर सकते, वो भला देश और राज्य क्या चला पाएंगे। वही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार बिहार से लेकर झारखंड और दिल्ली तक विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। इन्हें लगता है कि हम जेल से डर जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि हम भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, जिनका जन्म ही जेल में हुआ था। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। तो मोदी जी सोचे अपने जांच एजेंसी, जो इनके पार्टी के सेल है, ईडी, हम तो कहते हैं भाजपा के तीन जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है, उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता पर, पिता को जेल भेजा गया, हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे? इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। और आप सब लोगों से यही कहने आए हैं कि इनको वोट का चोट देना है। दरअसल रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित रैली में मंच पर दो खाली कुर्सियां भी रखी गई थी। उनकी तरफ इशारा करते हुए नेताओं ने कहा कि ये हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की कुर्सियां हैं, जिन्हें तानाशाही ताकतों ने साजिश के तहत जेल में डाल दिया। उन्होंने वोट की चोट से इस साजिश का जवाब देने की अपील की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हेमंत सोरेन हिम्मत वाले हैं, वो जेल से डरने वाले नहीं हैं, उनके पीछे हम सब लोग हैं। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सीपीआई एमएलके दीपांकर भट्टाचार्य, आप सांसद संजय सिंह, शिवसेना उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, ममता बनर्जी के प्रतिनिधि पूर्व सांसद विवेक गुप्ता समेत झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई अन्य नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया। रैली की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबु सोरेन ने की है। थैंक्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।